सो हेलो गाइस, सो गाइस सर, आज हम ड्रॉ करेंगे वाटर ड्रॉप, वो भी बहुत ही इजी तरीके में। यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक वाटर का स्ट्रक्चर जैसा होता है, एक बूंद मिट्टी में जैसे पड़ रहा है, उसी के एक स्ट्रक्चर को मैं यहाँ से हल्का हल्का करके ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर जो नीचे का शैडो है, जो कास्ट शैडो ही बोलते हैं इसको, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके हम शेड कर रहे हैं। एंड धीरे धीरे हम यहाँ पर हाईलाइट भी दे रहे हैं, ठीक है। हाईलाइट का जो मेन उपयोग है वो आपको करना चाहिए, क्योंकि हाईलाइट से ही जो ड्रॉप है वो उभर के आएगा पेज का ऊपर से। एंड यहाँ पर जो वाटर है उसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके सेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं 2B लिड, 2B जो पेंसिल्स है। बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, भाई क्या ये पेज, कौन सा आप पेज यूज़ करते हो? तो भाई ये कोई महंगा पेज नहीं है, ये सिंपल सा आर्ट पेपर है, ठीक है, सिंपल सा पेपर है। एंड इसी पेपर में मैं ये सब ड्रॉ करता हूँ। एंड यहाँ पर हम थोड़ा 2B से ये जो पेंसिल्स है इसमें थोड़ा थोड़ा करके शेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जितना आप शेड कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा हल्का और डार्क करके आपको शेडिंग कर देना है। यहाँ पर मैं जो आर्टवर्क है वो थोड़ा एकदम बड़े साइज में बना रहा हूँ, A4 पेज में ही, बट जो वाटर ड्रॉप है वो बहुत बड़ा है। बाकी यहाँ पर हम यहाँ पर ब्लेंडिंग कर देते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग करने के लिए मैं कॉटन बार्ड का यूज़ कर रहा हूँ, एंड आप हाथ से भी कर सकते हो, टिश्यू पेपर की मदद से भी कर सकते हो। आपके पास टिश्यू पेपर है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। बाकी मैं हाईलाइट के लिए एक सिंपल सा रबर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर बाकी हाईलाइट एरिया मैं पेस्टल कलर से दे रहा हूँ, ठीक है। आपके पास चारकोल, व्हाइट चारकोल पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप इरेजर से भी कम चला सकते हो, क्योंकि जो पेज का व्हाइटनेस है वो यहाँ पर मैच कर जा रहा था। एंड जो आर्टवर्क आप बना रहे हो वो बहुत धीरे धीरे बनाना, ठीक है, बहुत जल्दबाजी आपको नहीं करना है। यहाँ पर हाईलाइट को भी देना बहुत ही ज़रूरी है। एंड जो डार्क एरिया से उसको भी लाइट पेंसिल से या डार्क जो पेंसिल्स होता है उससे आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो ब्लेंडिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वाटर ड्रॉप का जो सरफेस है बहुत स्मूथली होता है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए ब्लेंडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं डार्क जो पार्ट मुझे लग रहा है बाकी फिनिशिंग में, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आप भी दे देना। बाकी यहाँ पर गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये आर्टवर्क कैसा लग रहा है, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।